Hello viewers, welcome to this session. Myself Harikesh Kumar. Today's presentation topic is attitude. In today's lecture, I'll try to understand what is meaning and definition of attitude, what are the major theories of attitude formation, and what are the major theories of attitude change, and what are the practical implications of attitude. Basically, attitude is a settled way of thinking or feeling about someone or something. And this is a hypothetical construct and learned predisposition to feel, to think and behave in a certain way. And attitude may be unconsciously held. In most of the cases, we are not aware about our attitude. Attitude को हम मनोवृत्ति या अभिवृत्ति भी कहते हैं. अभिवृत्ति के बारे में ज़्यादातर हम परिचित नहीं होते हैं. अभिवृत्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें आइसबर्ग ऑफ सी फिनोमेना को समझना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है वो समुद्र के ऊपर जो बर्फ होती है, जो आइसबर्ग है उसमें ऊपर की तरफ जो बर्फ होती है जो दिखाई देती है, ज़्यादातर वो बर्फ का बहुत छोटा भाग होता है, अधिकतम वो 10% होता है. तो हमारे व्यवहार का 10% भाग के बारे में ही हम जागरूक होते हैं. बाकी 90% भाग हमारे वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, बिलीव्स, जो कि हमारे एटीट्यूड को, हमारे अभिवृत्ति को डिफाइन करते हैं, उससे मिलकर के बना होता है. इस प्रकार अभिवृत्ति अचेतन होती है और अचेतन रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है. इस प्रकार आइसबर्ग ऑफ द सी फिनोमेना के द्वारा एटीट्यूड के महत्व को समझा जा सकता है कि किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को, हमारे व्यवहार को अभिवृत्ति प्रभावित करती है. अभिवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कई दृष्टिकोण दिए गए हैं. एक जिसमें यूनिडायमेंशनल व्यू है, बाई डायमेंशनल व्यू और ट्राई डायमेंशनल या ट्राईपार्टाइट व्यू दिया गया है. एक बीमी दृष्टिकोण के अनुसार अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति पसंद या नापसंद को व्यक्त करता है. इस बीमा में भावनात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है. द्विबीमी दृष्टिकोण में भावनात्मक पक्ष के साथ ही साथ संज्ञानात्मक पक्ष को भी महत्व दिया गया है. द्विबीमी दृष्टिकोण के अनुसार किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति विचारों एवं भावनाओं के समुच्चय को अभिवृत्ति कहते हैं. त्रिबीमी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति के विचार, भावनाएं एवं क्रियात्मक पहलू को रखा गया है. त्रिबीमी दृष्टिकोण के अनुसार को ABC मॉडल भी
कहा जाता है, जिसमें ए फॉर अफेक्ट, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉग्निशन। अफेक्ट से व्यक्ति के भावनाओं एवं अनुभूतियों का पता चलता है, बिहेवियर से व्यक्ति के प्रिपेयर्डनेस का पता चलता है कि वो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, जबकि संज्ञानात्मक प्रक्रिया से व्यक्ति के विश्वासों, मतों एवं संज्ञानात्मक कारकों का पता चलता है। इस प्रकार ABC मॉडल ज़्यादा व्यापक है एवं इसके द्वारा अभिव्यक्ति की परिभाषा ज़्यादा संतोषजनक ढंग से दी गई है। सिक्योर्ड एवं बैकमैन 1964 के अनुसार वातावरण के कुछ पहलुओं के प्रति व्यक्ति के भावों, विचारों एवं क्रिया करने की पूर्व प्रवृत्तियों को अभिवृत्ति या मनोवृत्ति कहते हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति बनती है उसे अभिवृत्ति वस्तु या एटीट्यूड ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस प्रकार अभिवृत्ति में दिशा होती है। अभिवृत्ति पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है या तटस्थ हो सकती है। अभिवृत्ति में मल्टीप्लेक्सिटी होती है। अभिवृत्ति कई तत्वों से मिल करके बनी होती है एवं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसके साथ ही साथ अभिवृत्ति व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती है। यदि हम देखें तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति हमारा रिएक्शन पॉजिटिव ढंग से होता है या निगेटिव ढंग से होता है। यदि पॉजिटिव रिएक्शन हाई होता है और निगेटिव रिएक्शन लो होता है तो हमारा उस वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। यदि पॉजिटिव रिएक्शन कम होता है, इसके साथ ही साथ निगेटिव रिएक्शन भी कम होता है तो उस घटना, व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा निरपेक्ष, इंडिफरेंस एटीट्यूड डेवलप होता है। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति पॉजिटिव रिएक्शन हाई होता है और निगेटिव रिएक्शन भी हाई होता है तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति में एम्बिवेलेंस की स्थिति होती है। व्यक्ति ना तो पॉजिटिव एटीट्यूड बना पाता है ना तो निगेटिव एटीट्यूड ही बना पाता है। ऐसी कंडीशन को अ कंडीशन ऑफ ड्यूअल एटीट्यूड कहा जाता है। चौथी कंडीशन हो सकती है कि इसमें पॉजिटिव रिएक्शन लो हो और निगेटिव रिएक्शन हाई हो। ऐसी कंडीशन में निगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज बेसिकली अ प्रीडिस्पोजिशन दैट रिजल्ट्स विल बी इन अ डिजायरेबल आउटकम्स विल बी हैपन। एंड निगेटिव एटीट्यूड इज द टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन दैट रिजल्ट्स इन अनडिजायरेबल आउटकम। अब हम कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की बात करेंगे। बेसिकली एटीट्यूड के तीन कंपोनेंट होते हैं, अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। अफेक्टिव कंपोनेंट से व्यक्ति की भावनाओं एवं अनुभूतियों का पता चलता है। व्यवहारात्मक कंपोनेंट से व्यक्ति के
किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के प्रति खास ढंग से रिएक्ट करने का पता चलता है, व्यक्ति के इंटेंशन का पता चलता है, और कॉग्निटिव कंपोनेंट से व्यक्ति के ओपिनियन और विश्वासों का पता चलता है, जैसे अफेक्टिव कंपोनेंट से का उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आई एम एंग्री ओवर माय लिटिल इनकम, दिस इज अफेक्टिव कंपोनेंट। आई डिसलाइक माय पेरेंट्स, दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट। एंड बिहेवियर कंपोनेंट, आई एम गोइंग टू चेंज माय जॉब, आई एम गोइंग टू मूव अनदर सिटी, दिस इज बिहेवियरल कंपोनेंट। नाउ कॉग्निटिव कंपोनेंट, माय इनकम इज लो, माय पेरेंट्स आर नॉट फेयर, दिस इज कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार एटीट्यूड इज द वे वी बिहेव टूवर्ड समबडी समथिंग दैट शोज हाउ वी थिंक एंड फील। अब हम आवृत्ति के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। अभिवृत्ति के चार मुख्य प्रकार होते हैं। नंबर वन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। इससे ये पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारे विश्वास क्या हैं, और अभिवृत्ति के माध्यम से हम अपने मूल्यपरक मतों को व्यक्त करते हैं। नंबर टू, ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म, अहम रक्षात्मक प्रक्रम। हम अपने अहम को, अहम की रक्षा के लिए, उसके डिफेंस के लिए एटीट्यूड का यूज करते हैं। फ्राइडियन साइकोएनालिसिस में रिप्रेशन, सप्रेशन, सब्लिमेशन जैसी, रेशनलाइजेशन जैसी युक्तियों का प्रयोग अहम रक्षात्मक प्रक्रम के रूप में किया जाता है। नंबर थ्री, नॉलेज फंक्शन। एटीट्यूड के माध्यम से हमें एक फ्रेमवर्क या रेफरेंस मिलता है अपने ज्ञान को दुनिया के बारे में, दुनिया को समझने के लिए एवं अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए। नंबर फोर, यूटिलिटेरियन या इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इस प्रकार के अंतर्गत व्यक्ति क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से व्यवहारों को सीखता है और वातावरण में अपना समायोजन स्थापित करता है। बेसिकली यूटिलिटेरियन फंक्शन के अनुसार अभिवृत्ति का कार्य पुरस्कार की प्राप्ति करना और दंड से बचना है। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट
one can change his life by changing his attitude. William James. Attitude is what? Basically, attitude is a hypothetical construct. The glass is full, or the glass is half full or half empty. It depends on someone's attitude. हम दुनिया को दुनिया की निगाह से न देखकर हम अपने नज़रिए से देखते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में एटीट्यूड, मनोवृत्ति या अभिवृत्ति कहा जाता है. फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड का निर्माण कई प्रकार के कारकों से होता है. नंबर वन, जेनेटिक फैक्टर्स. वंशानुगत कारणों से भी एटीट्यूड का निर्माण होता है. वंशानुगत के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाली आवृत्तियों को हेरिटेबल एटीट्यूड कहते हैं. जैसे म्यूजिकल एटीट्यूड. म्यूजिकल एटीट्यूड वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिशन होता है. नंबर टू, मास कम्युनिकेशन. रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ऐसे बहुत से माध्यमों से व्यक्ति अपनी आवृत्ति का निर्माण करता है. नंबर थ्री, टीचर. अध्यापकों के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा भी बच्चों के आवृत्ति निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है. नंबर फोर, एक्सपीरियंस विद ऑब्जेक्ट. किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना. बेसिकली एक्सपीरियंस विद ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस विद एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. किस प्रकार से व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में व्यक्ति अनुभूत करता है, क्या फील करता है, इसके अनुसार वह अपने आवृत्ति का विकास करता है. कंडीशनिंग, अनुबंधन के द्वारा भी व्यक्ति आवृत्ति का निर्माण करता है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रमुख है. क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत किन्हीं कंडीशन्ड स्टिमुलस को अनकंडीशन्ड स्टिमुलस के साथ पेयर करके प्रेजेंट किया जाता है, और परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो अनक्रिया UCS के करता था वह अब कंडीशन्ड स्टिमुलस के प्रति भी करने लगता है. बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग में व्यक्ति किसी व्यवहार को इनवॉलेंट्री एलिसिट करता है, जबकि साधनात्मक अनुबंधन में व्यक्ति के द्वारा किसी क्रिया के प्रभाव के फलस्वरूप अनुक्रिया की जाती है. इसमें क्रिया को एमिट किया जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन. सबसे पहले क्रिया की जाती है, फिर उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जो रिवार्ड या पनिशमेंट मिलता है, इसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवृत्ति का निर्माण करता है. इकोनॉमिक स्टेटस. व्यक्ति अपने आर्थिक स्तर के
अकॉर्डिंग भी अपनी अभिवृत्ति का निर्माण करता है। ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल स्टेटस, व्यक्ति अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी उसमें अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। नेबरहुड, व्यक्ति के आस पड़ोस का वातावरण किस प्रकार का है, पड़ोस के लोग किस प्रकार के हैं, इससे भी व्यक्ति में खास प्रकार की अभिवृत्ति का निर्माण होता है। फैमिली एंड पीयर ग्रुप, व्यक्ति का परिवार एवं उसका उसकी मित्र मंडली का भी अभिवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। वाइकेरियस लर्निंग, बेसिकली वाइकेरियस लर्निंग इज लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ किसी व्यवहार को करते हुए देखता है और फिर उसके परिणाम को भी देखता है। इस प्रकार से वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने आप में अवस्थानापन्न कर लेता है और उस व्यवहार को सीख जाता है एवं उसके प्रति वो परिणाम के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्ति का विकास करता है। नाउ थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, अभिवृत्ति निर्माण के सिद्धांतों को मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक कंसिस्टेंसी थ्योरीज, नंबर टू सोशल जजमेंट थ्योरीज, नंबर थ्री लर्निंग थ्योरीज, नंबर फोर फंक्शनल थ्योरीज। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज के अंतर्गत इस बात पर बल डाला जाता है कि यदि कोई भी दो विचार, दो एटीट्यूड या व्यवहार या एटीट्यूड और व्यवहार के बीच में इनकंसिस्टेंसी पाई जाएगी तो व्यक्ति में एक प्रकार के तनाव या हलचल की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति उस स्थिति को दूर करने के लिए या तो एटीट्यूड में चेंज ले आता है या अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आता है या एटीट्यूड और व्यवहार का रेशनलाइजेशन करता है। संज्ञानात्मक संगतता सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से दो सिद्धांतों को रखा गया है। नंबर थ्योरी, बैलेंस थ्योरी का विकास फ्रिज हाइडर के द्वारा सन 1958 में किया गया था। फॉर व्यक्ति एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे अब एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेकर के अपने ज्ञान एवं व्यवहार में एक प्रकार का बैलेंस रखता है। यदि इनके बीच में बैलेंस नहीं पाया जाता है या किसी कारण से नई सूचना के आ जाने से या नई घटना के उत्पन्न होने से यदि व्यक्ति में इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है और व्यक्ति उस तनाव को कम करने के लिए एवं पुनः पूर्व स्थिति में आने का प्रयास करता है। नंबर टू कॉन्ग्रुइटी थ्योरी से साम्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का विकास और टेनेनबाम 1955 के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार यदि किन्हीं दो आवृत्तियों या आवृत्तियों एवं व्यवहारों के बीच में साम्यता नहीं होती है, कॉन्ग्रुइटी नहीं होती है तो व्यक्ति में एक प्रकार की अनस्टेबिलिटी या अनस्टेबल कंडीशन उत्पन्न होती है और व्यक्ति पुनः स्टेबल कंडीशन में पहुंचने के लिए अपने
एटीट्यूड या बिहेवियर में चेंज करता है। इसके साथ ही लियोन फिस्टिंगर के द्वारा संज्ञानात्मक असंवादिता का सिद्धांत विकसित किया गया, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति के किन्हीं दो आवृत्तियों, दो क्रियाओं या आवृत्तियों एवं क्रियाओं के बीच में यदि असंगतता उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति में एक प्रकार की कुंठा, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति उत्पन्न होती है और इस नकारात्मक स्थिति से उबरने के लिए व्यक्ति या तो अपने एटीट्यूड में चेंज करता है या बिहेवियर में चेंज है या रेशनलाइजेशन करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का विश्वास है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उस व्यक्ति के द्वारा सिगरेट पिया भी जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंवादिता की स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे व्यक्ति में कुंठा की स्थिति उत्पन्न होगी। उसका एक प्रकार की हलचल या इम्बैलेंस की स्थिति होगी। उस स्थिति से बचने के लिए वह अपने इस विश्वास में चेंज करेगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और संज्ञानात्मक असंवादिता से बच जाएगा। या दूसरी स्थिति हो सकती है कि वह कि सिगरेट पीने से लेकर स्वास्थ्य को होने वाली शोध अध्ययन कंक्लूसिव नहीं है और वह सिगरेट को पीना जारी रखेगा। इस प्रकार संज्ञानात्मक असंवादिता की स्थिति से बच जाएगा। बैरियर्स टू एटीट्यूड चेंज। आवृत्ति परिवर्तन आसान नहीं होता है। आवृत्ति परिवर्तन के मार्ग में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। प्रायर कमिटमेंट और स्ट्रांग कमिटमेंट, यदि व्यक्ति के द्वारा पहले से ही किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को लेकर के पहले से ही कमिटमेंट कर लिया गया और वह व्यक्ति, वस्तु या घटना अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति में मनोवृत्ति परिवर्तन अत्यंत कठिन होता है। नंबर टू, पब्लिकली एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को लेकर के व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी गई होती है, कंडीशन में आवृत्ति में परिवर्तन अत्यंत दुरूह हो जाता है। नंबर थ्री, लो क्रेडिबिलिटी। दूसरे प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में विचार करने में समस्या यह होती है, व्यक्ति को उसकी विश्वसनीयता को लेकर के संदेह है, ऐसी कंडीशन में भी एटीट्यूड चेंज कठिन होता है। नंबर फोर, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एटीट्यूड में यदि व्यक्ति के पास पर्याप्त सूचना नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी व्यक्ति डर के कारण
अभित में परिवर्तन नहीं करता है। नंबर 5, डिग्री ऑफ फियर। यदि व्यक्ति में बहुत अधिक डर होगा तो भी व्यक्ति के द्वारा अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि यदि हमारे द्वारा मनोवृत्ति में परिवर्तन किसी व्यक्ति वस्तु या घटना के बारे में यदि चेंज लाया भी जाए, इसके कारण उसे भारी नुकसान हो सकता है। इस कारण से भी मनोवृत्ति में परिवर्तन अत्यंत कठिन होता है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मनोवृत्ति के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं से बचा जा सकता है। नंबर 1, प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। व्यक्ति को नई सूचनाएं, नई जानकारी प्रदान की जाए और सही सोर्स से, सही सूत्र के माध्यम से उस सूचना को व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, तो ऐसे में मनोवृत्ति परिवर्तन के आसानी से किया जा सकता है। टू यूज ऑफ फियर। दूसरा तरीका ये हो सकता है, माइट इज राइट या भय बिनु होए न प्रीत। व्यक्ति को डराकर भी उस वृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। जब व्यक्ति को लगता है कि अब हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो ऐसे में वह अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन तुरंत ही कर लेता है। नंबर 3, रिजॉल्विंग डिस्क्रिपेंसीज। यदि किसी व्यक्ति वस्तु या घटना को लेकर के व्यक्ति में अलग अलग विचार हैं, तो ऐसी कंडीशन में यदि भिन्नता को दूर कर दिया जाए, तो व्यक्ति में अभिव्यक्ति परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर। मित्र मंडली के प्रभाव से भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। दी को ऑप्टिंग अप्रोच के अंतर्गत व्यक्ति में पहले से विकसित मनोवृत्ति एवं नई मनोवृत्ति दोनों अभिव्यक्तियों को एक साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और यदि व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो व्यक्ति के द्वारा नई मनोवृत्ति को बनाकर रखा है। धन्यवाद।